आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ कैन प्रोटेक्ट योर शीट, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर फाइल। तो प्रोटेक्शन कि अगर कोई भी अगर शीट को अगर आप लेते हैं तो उसको किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी अनचाहा आदमी आपके उस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। ओके okay. तो उसके लिए कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक शीट पे हम डेटा लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस शीट पे जो ये डेटा है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना कर सके। तो सिंपल हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड 123 या जो भी पासवर्ड देना चाहते हो आप दे दीजिए यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पासवर्ड आप डालते हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट योर पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके तो आप डालते समय इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो आपका जो है पासवर्ड रिकवर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, पासवर्ड ओके कंफर्म कीजिए एंड ओके। अब मैं इस पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता हूं, बट मैं सिलेक्शन तो कर सकता हूं और सिलेक्शन करके कॉपी तो कर सकता हूँ, कॉपी जब कर लूंगा तो कहीं पेस्ट तो कर सकता हूँ। सो नाउ मैं चाहता हूं कि यहां कोई सिलेक्ट भी ना कर सके। ठीक है, मैं चाहता ओके हूं कि मेरे इस डेटा को कोई सिलेक्ट भी ना कर सके। तो कैसे होगा, तो इसके लिए अब देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर है, कॉपी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर है सिलेक्शन। कि अगर आप कॉपी को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने सिलेक्शन को रिमूव कर दिया तो यू कैन कॉपी। क्लियर सर, ओके सर तो हम सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं कैसे, जब हम सीट को अनप्रोटेक्ट करें। मैं करता हूं पहले, जब सीट को हम पासवर्ड डाल रहे थे तो आपने देखा होगा कि यहां पे बहुत सारे चेक बॉक्स थे। चेक बॉक्स क्या है पहले इसके बारे में हम समझते हैं। यह सिलेक्शन यहां पे देखिए लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, और अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, राइट। मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो करने के बाद मैं चेंज तो नहीं कर पाऊंगा, बट इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा। ओके तो हम कुछ चेंज तो नहीं कर पाएंगे बट फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। यहां पे हम ऐसा करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते समय यहाँ पे डिफॉल्ट आपके सामने है सिलेक्शन की, सिलेक्ट योर सेल, सिलेक्ट योर अनलॉक सेल, लॉक सेल। अब लॉक सेल क्या होता है, अनलॉक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और फिर इस पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ सिलेक्शन की अथॉरिटी नहीं है,
तो आप ओके कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, डेटा को आप अपने डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके क्लियर ओके है? अब देखिए कहीं पे क्लिक ही नहीं होगा, कहीं पे सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो आपका कोई फायदा ही नहीं है, राइट? ओके अब बात करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर है। मैं चाहता हूं कि ये जो कलर एरिया है इस पे मैं टाइप कर सकूं, इसके अलावा किसी और सेल पे किसी भी तरह का टाइपिंग ना कर सकूं। क्लियर सर? ओके तो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं जानिए, जब आप प्रोटेक्ट करते हो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। ठीक है सर? सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या है हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। सॉरी, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, मतलब कि हर एक सेल के राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आप जाते हैं, तो आपको यहाँ प्रोटेक्शन में लॉक पे क्लिक है, तो डिफॉल्ट हर एक सेल के ऊपर लॉक पे क्लिक होता है, और जिस सेल के लॉक पे क्लिक है वो आपका लॉक है, समझे? अगर मैंने अनलॉक हटा दिया, जिस सेल पे मैंने अनलॉक हटाऊंगा उस सेल पे अब जो है अनलॉक वर्क नहीं करेगा, लॉकिंग। कोडिंग का परमिशन नहीं दे सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, तो यहां से इसको अनलॉक कर देते हैं। अब मैं इस पे डालूंगा प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड हमने डाला एंड ओके कर दिया, तो अब पूरे शीट में काम हो बट यहां पे काम नहीं होगा। आप दोनों से ज्वाइन किए हो तो एक को म्यूट कर दिया करो। सर हेलो, हेलो, हाँ सर सुनील बोल रहे थे। हाँ सुनील जी, सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए मेरे को। ओके जरूर। तो समझ में आ गया, हो गया सर आज की क्लास में। यहां पे समझ में आया आपको? अब यहां पे मैं टाइप नहीं कर सकता हूं, बट टाइप कर सकता हूं, बट इसके अलावा टाइप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेट से लेके जो पोजीशन है उसको अनलॉक कर दिया था। अब यहां पे एक बात करते हैं कि मुझे इसका उल्टा करना है, मुझे इसका उल्टा करना है। कैसे करें इसका उल्टा? कि मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे, सिर्फ प्रोटेक्शन के अंदर रहे, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे, मतलब कि मैं इस रेड कलर कर देता हूं, जो रेड कलर एरिया है इस पे हम पासवर्ड, इस पे किसी तरह के हम एडिटिंग ना कर सके, ये बाकी सीट पे कर सके। तो जैसे कि हमको बताया आपको कि जब राइट क्लिक करते हैं,
जब यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, मतलब कि हर एक सेल बाय डिफॉल्ट आपको लॉक को सपोर्ट करता है, हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक को सपोर्ट करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां से इसको अनलॉक कर देते हैं। अब पूरा सीट अनलॉक हो गया, अब पासवर्ड डाल रहे थे, मैं कहीं भी कॉपी कर सकते, मैं टाइपिंग कर सकता हूं। फिर मैंने क्या किया, इस सेल पे गया और इस पे हमने यहां पे फॉर्मेट सेल में जाके यहां पे हमने लॉक को लगा दिया। तो अभी ये जो कलर एरिया है सिर्फ इसी पे लॉक्ड है, बाकी पे अनलॉक्ड है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा प्रोटेक्ट शीट करके, पासवर्ड लगा ओके करता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पे टाइप हो सकता है बट यहाँ पे टाइप नहीं होगा। अब इसका यूज क्या होता है तो चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं वहां पे। तो कुछ एक छोटा सा डेटा बनाते हैं हम, एक सौ रुपये से एक सौ से एक तो यहां पे छोटा सा डाटा बनाते हैं, नेम क्वांटिटी जीएसटी यहां पे टोटल, फिर डेट एंड टाइम। तो इसमें क्या है कि हमारा अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, कमीशन जो है हमारा इसका 2% है, जीएसटी इसका 18% है और फिर टोटल इन सबों का टोटल है और डेट हो गया और ये हमारा टाइम। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मुझे डेटा एंट्री करते समय क्या मैनुअली लिखना था ना, हाँ डेटा एंट्री करते समय क्या करना होता है कि मैं जैसे यहाँ पे पूजा नाम लिखा, पूजा फिर क्वांटिटी लिखा और यहाँ पे हमने एमआरपी लिखा और बाकी अपने आप आ जाता है। फिर मुझे चार कॉलम चार चल के फिर इस पे डेट एंड टाइम देना पड़ता है। तो हर बार मेरा ये चार हर टाइपिंग में 4 सेकेंड वेस्ट होता है, हर टाइपिंग में हमारा 4 सेकेंड जो है वेस्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि जब मैं टाइप हम टाइप जब करते हैं
तो हमारा तो हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर यहां से डायरेक्ट यहां पे मूव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पूरे सीट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसको लॉक्ड को अनलॉक्ड कर देंगे। फिर इस जो DEF कॉलन है उस कॉलन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको वापस लॉक्ड कर देंगे, राइट। तो अभी क्या है कि अभी मैं ये हमारा पासवर्ड डालने के बाद जो है इन सेलों पे काम हम टाइप नहीं कर सकते हैं, बट बाकी कॉलम पे कर सकते हैं क्योंकि बाकी कॉलम पे जो है मैंने हटा दिया है ना, उस पे तो कर सकते हैं। इस पे हम नहीं कर सकते। तो हम अब पासवर्ड डालते समय हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे देखिए सिलेक्शन छोटी लॉक सेल और अनलॉक सेल, तो यहां से हम इसको अनलॉक सेल को अनचेक कर देंगे। तो सिलेक्शन होगा सिर्फ लॉक सेल पे, अनलॉक सेल पे नहीं होगा। और जैसे उसको हम ओके करते हैं, अब देखिए अब यहां पे टाइप कीजिए, मारते हो कर्सर, देखिए अभी मैं जैसे ही रायरो मारूंगा कर्सर सीधे उठ के डेट एंड टाइम पे चला जाएगा एक बार में। किसी भी कंडीशन में हम इन डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इससे एक फायदा है, एक फायदा यहां पे हो रहा है। कि आप जो है इसमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप नहीं देख सकते, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप नहीं देख सकते। ठीक है, आ गया। जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझा दो कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, एक मिनट मैं यहाँ पे नेम और मान लीजिए सिटी और हमने यहाँ पे एरिया दिया। अब मुझे इस तीनों पे पासवर्ड जो है हमारा, हम चाहते हैं कि इन मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कोई और ना जाए। इन तीनों का के अलावा कर्सर मेरा कहीं ना जाए, क्या करेंगे यहां पे प्रोटेक्ट पे। सबसे पहले तो जहां जहां टाइप कर रहे हैं इन तीनों पे कर्सर रखते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहां से इसको अनलॉक्ड को हटा देते हैं। ओके, लॉक्ड पर लॉक कर देते हैं और पोर्शन शीट में आपका लॉक सेल को अनचेक कर देते हैं सिलेक्शन को। अब मेरा कर्सर इसी तीनों पे से, मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइप किया मैंने, एंटर मारने के बाद कर्सर सीधे डायरेक्ट सिटी वाले पोर्शन में चला है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर,
अब यहाँ बात आती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे मल्टीपल पासवर्ड लगाने का, जैसे कि मान लीजिए कि ये एरिया है हमारे, इसे मैं चाहता हूँ दो अलग अलग पासवर्ड लगाना कि दो अलग अलग पर्सन इस पासवर्ड को देख सकें। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे डेवलपर रिव्यू में। रिव्यू में हमारा एक आता है अलाउ एडिट रेंज, उस पर जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डिफरेंस पासवर्ड, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ओके अप्लाई। फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं, अभी मैं गलती से ओके कर दिया, ओके नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हम न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे अलग पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। ये पासवर्ड तभी एक्टिवेट होगा जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे पासवर्ड से, तो जैसे यहाँ बाकी एरिया पे तो करते हैं, लेकिन जैसे इस पे काम करने के लिए जाएंगे तो मुझसे पासवर्ड पूछेंगे। इसे मैंने पासवर्ड मान लीजिए करेक्ट रख डाल दिया तो मुझे सिर्फ इस पे काम करने देगा, इस पे नहीं, इस पे वापस पासवर्ड। आप एक सीट पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? सर हाँ बोलिए। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि विजिबल भी हो, तभी हो जब वो पासवर्ड एंटर करे? क्या मतलब? मतलब जैसे रेड वाली जो हाईलाइटेड शीट है, हाईलाइटेड एरिया है, वहां पर जो भी XYZ जो भी डेटा है, जैसे वो पासवर्ड एंटर करेगा तो ही उसे विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं, इसके लिए भी आपको वीवी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है सर। इसके लिए वीवी। मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन सीट को डिलीट ना कर सके, जो सीट है ये सीट को कोई डिलीट ना कर सके, तो इसके लिए आप यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक में चले जाएं, यहाँ पे पासवर्ड डाल के करें, कोई सीट आपको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। आप चाहते हैं कि मेरे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डले, लेकिन सबसे पहले मैंने फाइल को बिना पासवर्ड की ओपन ही ना हो, तो एक तो सेव एज करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं, सेव एज करते समय यहां से यूज कर सकते हैं। सेव एज जब करते हैं आप, तो यहाँ टूल्स में होता है जनरल ऑप्शन, तो यहाँ पे पासवर्ड टू, टूल्स में होता है हमारा जनरल ऑप्शन, यहाँ पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसके लिए आपको फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। अब फाइल को सेव एज करना नहीं चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ इन्फो में जाके आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर सकते हैं, ओके। ये हमारा प्रोटेक्शन रहा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। और जल्दी प्रोटेक्शन हो गया। हेलो सर, नहीं, कल का अलग, कल का डेटा फिल होगा सर। ओके और सर कल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए जो कल करवाया था ना आपने। आज ठीक है, मैं भेज देता हूँ। का भी मेरा क्योंकि मैं लेट पड़ा था। ठीक है, ठीक।